तो हे एंड वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टूडियो ट्यूटोरियल्स लर्न विद फन। तो अब पिछली बार की तरह कि इसके पहले जो वार्मिंग अप हर एक लेसन के पहले देता है, तो अगर आपको इसके अभी इस लेसन की भी वार्मिंग अप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको डाल देंगे अदर वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस लेसन का जो है एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जो कि 2.6 है द प्रिपरेंस 8th स्टैंडर्ड का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सो द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी मतलब आप सभी जानते हैं, और प्रिंस मतलब होता है राजा, तो क्या एक खुशी वाला राजकुमार, सॉरी प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, तो एक खुशी राजकुमार। सो द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी। सो क्या एक स्टैचू बड़ी सी जो है वो कहाँ पे, एक शहर था, उस शहर के एकदम बीचों बीच ऊंची एकदम खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, एकदम ऊंचा। सो इट वॉज कवर्ड विद गोल्डन, क्या वो गोल्डन मतलब सोने से पूरा वो पेंट किया गया था, जैसे यहाँ साइड में आप देख रहे हैं पूरा गोल्डन कलर का दिख रहा है, तो ऐसे गोल्डन था। इट्स आईज वेयर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स, और उनकी आंखें कैसे चमक रही थी एकदम ब्लू कलर की, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। और एंड अ रेड ज्वेल्स हैंग फ्रॉम इट वेस्ट, और क्या एक रेड कलर का ज्वेल, यहाँ देख रहे हैं इनके कमर पे एक रेड कलर का वो लगा हुआ है, तो वहाँ पे वो उनके वेस्ट पे कमर पे एक रेड कलर का ज्वेल लगा हुआ था। एवरीवन थॉट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, सबको क्या लगता था कि ये बहुत सुंदर है, ठीक है, सबको ये अच्छा लगता था, बहुत अच्छा दिखाई देता था। व्हाई आरंट यू लाइक द हैप्पी प्रिंस, तुम क्यों नहीं पसंद करते हो हैप्पी प्रिंस को, क्यों नहीं तुमको अच्छे लगते हैं। मदर सेड टू देयर लिटिल बॉय व्हेन ही क्राइड, सो उन किसी की मम्मी जो है जो बच्चा है रो रहा है तो उसको बोल रही है तुम क्यों नहीं अच्छे लगते, तुमको ये क्यों नहीं अच्छे लगते जो हैप्पी प्रिंस है, तुमको क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, ऐसा किसी को मम्मी उनकी बोल रही है जब वो रो रहा था तब। तो सैड मैन लुक्ड एट द स्टैच्यू एंड सैड, तो वो क्या वो आदमी जो है स्टैच्यू को देखता है और बोलता है आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी, वो क्या मुझे खुशी है कि वो इस दुनिया में कोई है जो खुश है। So, क्या होता है यहाँ पे कुछ खत्म होता है और यहाँ पे कुछ स्टार्ट होता है। सो वन नाइट अ लिटिल सोलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी, सो क्या एक सोलो एक करके बर्ड आती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका पिक्चर आया होगा अभी। तो एक रात को क्या एक छोटी सी जो चिड़िया रहती है पूरे जो सिटी है उस सिटी के पूरे चक्कर मारती है, घूमती है इधर से उधर, उड़ती है। सो हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर 6 वीक्स, सो क्या 6 महीने उसके जो फ्रेंड्स थे वो आगे जा चुके थे, वो आगे उड़ चुके थे, उन लोग पहले जा चुके थे, और ये 6 हफ्तों से कम इधर से उधर वो पीछे छूट गए थे, 6 हफ्ते हो गए हैं उनको उसको पीछे छूटे हुए। सो वेयर कैन आई स्टे टू नाइट, अब वो आज सोच रही है कि आज मैं कहाँ रुकूँ, आज की रात में कहाँ रुकी, ऐसा करके वो सोच रही है। सो देन ही सॉ द स्टैचू, उसने क्या उस स्टैचू को देखा है प्रिंस के, सो आई विल स्टे देयर, क्या बोल रही है अब मैं यहाँ पे सोच रही है, वही थॉट सोच रही है कि मैं अब यहाँ पे रुकूंगी। इट इज हाई अप सो देयर इज प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो क्या ये थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा ऊंचा बना है, तो इधर पे क्या मुझको एकदम अच्छी फ्रेश फ्रेश हवा, ताजी ताजी हवा खाने को मिलेगी। सो ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, क्या पैर बीच जो हैप्पी प्रिंस उनके पैरों के बीच में वो आ जाती है। एंड आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही थॉट, और क्या सोचती है अरे वाह आज तो मेरे पास जो है सोने का रूम है, गोल्डन का बेडरूम है जिसमें मैं सोऊंगी आज। सो बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, सो क्या जैसे वो अपने पैरों को अपने पंखों के अंदर डाल के सोने जाती है जैसे चिड़िया लोग सोते हैं, तो ये लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और क्या होता है एक बड़ा सा बूंद है पानी का बूंद जो है उसके ऊपर गिर जाता है। सो ही लुक्ड अप दैट इज वेरी स्ट्रेंज, क्या ये ऊपर देखती है और बोलती है बहुत अजीब है ये क्या हो रहा है, यही थोड़ा ऐसा करके वो सोचती है ऊपर देख के। सो देयर इज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई बट इट इज रेनिंग, वो देखती है ऊपर और बोलती है भाई ऊपर तो बादल है नहीं तब पर भी बारिश हो रहा है। सो देन एंड द ड्रॉप फेल आई कैन नॉट, सो क्या होता है तभी दूसरा ड्रॉप बूंद उसके ऊपर गिर जाता है। सो आई कैन नॉट स्टे ऑन ए स्टैच्यू दैट डज नॉट कीप मी ड्राई ही थॉट, क्यों क्या वो सोचती क्या है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो ये मुझे गीला कर देगा, ये मुझे सूखा रहने नहीं देगा। सो आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, मुझको एक जो है दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। सो एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई, अब अब क्या होती है अब वहाँ से बार बार ड्रॉप गिर रहा था तो वो सोचती है अब यहाँ पे मैं गीला हो जाऊंगी सूख ही नहीं रहूंगी तो यहाँ से उड़ने का तैयारी कर लेती है, अब यहाँ से मैं दूर उड़ जाऊंगी। बट एज ही ओपन हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल, जैसे ही वो अपने पंख को फैलाती उड़ने के लिए तैसे तीसरा भी ड्रॉप गिर जाता है। सो ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी, क्या वो ऊपर देखती है और देखती है तो क्या देख लेती है समझ में नहीं आता, वो क्या देख लेती है, ओह व्हाट डिड ही सी, क्या देख लेती है वो। सो द सॉरी
द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वेयर फुल ऑफ टीयर्स. जो हैप्पी प्रिंस था, जो स्टैचू था, वो जो उसमें जो स्टैचू हैप्पी प्रिंस का बना था, उनका जो आंखें थी वो क्या पूरे आंसू से भरी हुई थी. टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस. और क्या उसके पूरे गोल्डन फेस पे जो है टीयर्स इधर से इधर उधर फैले हुए थे, इधर से गिर रहे थे. सो द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मून लाइट. और जो फेस था, उनका चेहरा था, तो वो एकदम अच्छा दिखाई दे रहा था. अब रात का समय था तो मून लाइट में उनका चेहरा जो एकदम अच्छा दिखाई दे रहा था. एंड द सेलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम. और जो चिड़िया थी, जो सोलो चिड़िया थी, उसके लिए सॉरी फील कर रही थी, उसके लिए बुरा फील कर रही थी, क्योंकि क्यों वो रह रहे हैं, क्यों वो रो रहे हैं ऐसा करके. सो हु आर यू आस्क द बर्ड. वो बर्ड जो चिड़िया है सेलो, वो पूछती है उनसे, आप कौन हो. आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो रिप्लाई देते हैं, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, मैं एक हैप्पी राजा हूँ, राजकुमार हूँ. देन वाई आर यू क्राइम, तो वो पूछती है क्यों आप रो रहे हो. आई एम बेट विथ योर आइज, मैं तो आप रो रहे हो तो मेरे आपके आंसुओं से मैं भीग गई. सो वेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, सेड द प्रिंस, तब जब मैं जिंदा था तो आई हैड ए हार्ट लाइक एवरी अदर मैन. सो मेरे पास भी एक दिल था जैसे सभी लोगों के पास होता है. बट आई डोंट नो वॉट टीयर्स वेयर, और तब मैं नहीं जानता था कि क्या आंसू क्या होते हैं. आई लिव इन ए पैलेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस, और एक मैं बड़े से पैलेस में रहा करता था जहाँ पे कहीं भी कोई दुख नहीं रहता था. इन द डे टाइम आई प्लेड विथ माई फ्रेंड्स इन ए ब्यूटिफुल गार्डन, और सुबह के समय में क्या करता था, सुबह में अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेला करता था. एंड इन द इवनिंग आई डांस, और रात में क्या करता था, मैं डांस किया करता था. सो देयर वॉज ए हाई वॉल अराउंड द गार्डन. सो क्या एक गार्डन था, उसके ऊपर एक बहुत ऊंचा सा एक राउंड ऐसे गोले में एक पूरा ऊंचा सा एक दीवाल था. सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, और उसको मैं क्या बुलाता था, हैप्पी प्रिंस. सो आई वॉज प्लेस्ड विथ माई लिटिल वर्ल्ड, और मैं अपनी छोटी सी दुनिया के साथ एकदम खुश था, निराश नहीं था. सो नाउ आई एम डेड, अब मैं क्या हूँ, मर चुका हूँ. एंड दे हैव पुट मी अप हियर, और उन लोगों ने क्या मुझे यहाँ रख दिया है, अब मैं मर चुका हूँ और उन लोगों ने मुझे यहाँ रख दिया है. सो आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, और मैं आज जो है अपनी पूरी सिटी, जो मेरा शहर है, उसका पूरा जो जितने भी दुख है उसको देख सकता हूँ. माई हार्ट नाउ इज मेड ऑफ चीप मेटल, और क्या मेरी जो जो दिल है वो किससे बना हुआ है, एक नॉर्मल से चीप मेटल से, एक धातु से बना हुआ है नॉर्मल से. बट इवन द पुअर हार्ट कैन फील एंड सो आई क्राई. सो लेकिन ये जो हार्ट है, ये जो मेटल से बना है, चीप मेटल से जो दिल है मेरा, लेकिन तब पर भी ये दिल जो है फील कर सकता है, लोगों की फीलिंग्स को फील कर सकता है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ. सो ओ सैड द सेलो टू हिमसेल्फ, और सेलो जो है, जो बट चिड़िया है, वो खुद से बोलती है, ओ खुद से बोल के ऐसा करती है. ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड, वो क्या बाहर से सिर्फ गोल्ड नहीं थे, आप देखो वो फील कर सकते थे दूसरे के हैप्पीनेस से, तो क्या होते हैं सोना बोलते हैं ना हम लोग, बहुत लोगों को जो अच्छे रहते हैं तो सोने जैसे हो आप सोने हो, तो ये भी ऐसे सोचती, वो अंदर से सोचती और बोलती है ये सिर्फ ऊपर से दिखने में गोल्ड नहीं है, अंदर से भी ये सोने जैसे हैं, नरम मुलायम. सो फार अवे फ्रॉम हियर, उससे थोड़ा सा दूर, सेट द हैप्पी प्रिंस इन ए लो वॉइस. सो क्या एक फार अवे मतलब यहाँ जी थोड़ा सा दूर, जो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं सोलो आवाज में. सो देयर इज ए पुअर हाउस इन ए लिटिल स्ट्रीट, तो एक छोटी सी जो गली है उसके अंदर एक जो है गरीब मकान है. तो एन ओपन विंडो, क्या थ्रू एन ओपन विंडो, एक खुले हुए खिड़की के साथ, तो आई कैन सी ए वूमेन एट द टेबल. सो क्या वहाँ पे मैं एक औरत को देख सकता हूँ, देखता हूँ. हर फेस इज वेरी थिन एंड सी हैज रफ रेड हैंड्स, और क्या उसके जो हाथ है वो एकदम पतले हैं, उसके सॉरी उसका जो चेहरा है वो एकदम पतला है, और जो उसकी स्किन है, जो उसके हाथ हैं, कैसे रफ हैं और लाल लाल हैं, ठीक है, जो कर्व्ड है, मतलब रफ स्किन आप जानते होंगे, जो खुद खुद डरे रहते हैं वैसे. सो सी इज मेकिंग ए ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज फॉर ए डांस इन द पैलेस. सो क्या वो क्या लोग रानियों के लिए, लेडीज के लिए जो है ड्रेस बनाती हैं डांस करने के लिए पैलेस में, ठीक है. सो हर लिटिल बॉय इज लाइंग ऑन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और क्या उसका जो लड़का रहता है, जो उसका बेटा रहता है, वहीं एक कोने में पड़ा रहता है बेड के, वहीं कोने में एक पड़ा रहता है बेड पे लेटे हुए, कोने में पड़ा रहता है रूम के. सो ही इज वेरी इल, और उसको क्या उसकी तबीयत जो है खराब है, परेशान है वो. सो ही इज क्राइंग बिकॉज सी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर. सो क्या वो रो रहा है क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसको सिर्फ एक पानी दे सकती हैं, वो कहाँ से, वो भी रिवर से सिर्फ उसको ला के पानी दे सकती हैं. सो लिटिल बर्ड विल यू टेक माई
माई रेड ज्वेल टू हर, क्या तुम मेरे जो रेड ज्वेल अंदर मेरे लगा है क्या उसको तुम उसके पास तक लेके जाओगी, उसको जाके दे दोगी? आई कांट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चल नहीं सकता इसीलिए. सो माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द सोलो. और क्या जो सेलो जो चिड़िया रहती है तो बोलती है मेरे जो दोस्त लोग हैं वो इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं. लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, वो क्या बोलती है, नन्नी चिड़िया जो है प्रिंस ऐसा करके बोलता है. प्लीज स्टे, द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो हैप्पी अनहैप्पी. सो क्या बोलती है, यहीं रुको ना प्लीज. वो जो प्रिंस रहता है बोलता है रुको रुको, उसकी जो लड़का है वो रो रहा है और उसकी मम्मी जो है वो खुश नहीं है. सो द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड, और जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत निराश दिखाई दे रहा था, दुखी दिखाई दे रहा था. एंड द लिटिल सेलो वॉज सॉरी फॉर हिम, और उसको जो सेलो थी जो चिड़िया थी छोटी सी उसको भी उसके ऊपर तरस आ रहा था, दुख हो रहा था उसको भी. सो इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, और यहाँ पे इस समय क्या था, ठंडी थी. सो ही सैड, क्या बोलता है वो, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट. सो चिड़िया बोलती है, बोलता है कि मैं ठीक है आपके साथ एक रात तक रुकता हूँ. टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, और क्या मैं कल ये ज्वेल को जो है जो रेड वाली ज्वेलरी है इसको मैं लेके जाऊंगा उन लोग के पास. थैंक यू लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, और ऐसा करके थैंक यू बोलता है लिटिल प्रिंस बर्ड को. So the sailor took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roofs of the town. So क्या, तो दूसरी सुबह होती है और जो सैलो रहती है वो बड़े से जो ज्वेल रहता है रेड वाला उसको निकालती है वहाँ से उसके बेस्ट से, और वहाँ से गलियों छतों के ऊपर से उड़ उड़ के जो गलियों से होते हुए टाउन के पास पहुँचती है. सो ही पास द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, तो क्या वो पैलेस से होते हुए गुजरती है और उसको क्या नाचने की डांस करने की आवाज़ जो है सुनाई देती है. सो द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू एंड फ्लू. सो क्या वो कहाँ जो नदी रहती है उसको भी पार करके जाती है उड़ते 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 उड़ते. एट लास्ट कम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुकड इन साइड. सो क्या लास्ट में वो अंतिम में कहाँ पहुंच जाती है, जो घर रहता है वहां पहुंच जाती है और वो देखती है इन साइड, देखती है कोई है कि नहीं है. सो द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड, और जो लड़का था छोटा सा बच्चा था वो क्या बेड पर लेटा हुआ था. सो द मदर वॉज एस्लीप, सी वॉज सो टायर्ड. सो क्या मदर जो थी वो सो चुकी थी क्योंकि वो थक चुकी थी बहुत ज्यादा. तो ही फ्लू इन एंड पुट द ग्रेट ज्वेल रेड ज्वेल ऑन द टेबल. सो क्या वो अंदर उड़ के जाती है और जो ज्वेल रहता है जो लाई रहती है उसको जाके टेबल के ऊपर रख देती है. सो देन ही फ्लू अराउंड द बेड, और क्या जो बेड रहता है उसके चारों तरफ वो घूमती है. मूविंग द एयर अराउंड द बॉयज फेस विथ हिज विंग, और क्या करती है जो लड़का रहता है उसके चेहरे के ऊपर अपने पंखों से जो हवा फेंकती है. ठीक है. सो और क्या बोलती है, ओ सैड द बॉय माई फेस डज नॉट फील सो हॉट. सो क्या जो लड़का रहता है बोलता ओ मेरा फेस अब जो है अब गर्म नहीं लग रहा है मुझको, ऐसा करके वो लड़का बोलता है. आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर एंड ही फेल एस्लीप. सो क्या अब उसको अच्छा लग रहा था, वो बोल रहा है मुझे अब अच्छा लग रहा है, और क्या वो सो जाता है. ठीक है. सो देन द सेलो फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब क्या वो जो सेलो जो चिड़िया रहती है वो वापस आती है हैप्पी प्रिंस के पास. इट इज स्ट्रेंज द सेलो सेड, क्या ये अजीब था, वो अजीब था. इट इज़ वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म. सो क्या वो अजीब था, क्या हो रहा था, क्योंकि जो सेलो था वो वहाँ पे कोल्ड था लेकिन उसको क्या लग रहा था वहाँ पे गर्मी लग रही थी, थोड़ी थोड़ी गर्म लग रहा था वहाँ पे, तो इसलिए वो स्ट्रेंज था. सो दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग सेड द प्रिंस, ये क्यों हो रहा है तुमको, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ठंडी है तुमको गर्म क्यों लग रहा है, ऐसा बोलता है प्रिंस, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है. द लिटिल सेलो फेल एस्लीप, सो क्या जो छोटी सी चिड़िया रहती है वो भी उसको भी नींद आने लगता है और वो सो जाती है. सो व्हेन डे कम द सेलो फ्लू डाउन टू द रिवर फॉर ए पाथ. सो क्या जब दे सुबह हो जाती है तो उसके बाद जो सेलो चिड़िया रहती है वो क्या जाती है रिवर के पास जाती है नहाने के लिए. सो एक क्लेवर मैन सॉ हिम, सो क्या एक चतुर आदमी जो रहता है वो उसको देख लेता है. सो दैट इज वेरी अनयूजुअल ही सेड, सो क्या वो बोलती है ये तो कुछ अनयूजुअल लग रहा है, वो वैसा करके बोलती है. सो दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर, सो उसको थोड़ा सा अनयूजुअल अजीब लगा कि इस समय जो ठंडी का मौसम है ये वो जो आदमी था वो ऐसे सोच रहा. ठीक है. तो ये उसको अजीब लगा कि इस समय में ऐसी तरीके की बर्ड कहाँ मिलती है गर्मी ठंडियों में. ठीक है. सो आई मस्ट राइट दैट डाउन, सो क्या वो बोलता है मैं इसको लिखूंगा मैं. सो आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट थॉट द सेलो, सो आज क्या अब वो सेलो अब सोचती है कि आज रात को ही मैं जो है इजिप्ट पहुंच जाऊंगी, ऐसा करके वो सोचती है जो चिड़िया रहती है. सो व्हेन द मून केम अप ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, क्या जब वो जो है शाम हो गया रात हो गया चंदा मामा आ गए ऊपर तो क्या वापस उड़ के जाती है हैप्पी प्रिंस के पास. सो
कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, ही सेड। सो क्या वो हैप्पी प्रिंस से पूछती है क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकती हूँ इजिप्ट में, अगर आपको कोई काम हो तो बताइएगा इजिप्ट में, मैं कर दूंगी। सो लिटिल दूंगा सॉरी लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। सो क्या बोलता है लिटिल प्रिंस, जो बोलता है कि अब वो प्लीज करता है, बोलता है क्या तुम एक रात के लिए और मेरे साथ रुक सकती हो क्या, ऐसा करके लिटिल प्रिंस बोलता है उसको। सो माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, एंसर्ड द बर्ड। सो बर्ड क्या बोलता है, सॉरी बोलता है, ये बोलती बार बार बोल दे रहा हूँ, तो बोलता है क्या बोलता है कि मेरे दोस्त जो है वहाँ इजिप्ट में वेटिंग कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। सो फार अवे अक्रॉस द सिटी, सेड द प्रिंस, आई कैन सी अ यंग राइटर इन ए लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ हाउस। सो क्या थोड़ा सा दूर सिटी के जो है बात जो है थोड़ा सा दूर अक्रॉस द सिटी, सो क्या मैंने एक राइटर को देखा है, यंग राइटर को देखा है जो कि एक छोटे से रूम में एकदम टॉप पे हाउस रहता है, घर रहता है, घर के ऊपर एकदम टॉप पे मैंने उसको एक छोटे से रूम में देखा है, एक राइटर को, यंग राइटर को। सो ही इज सिटिंग एट अ टेबल दैट ही इज कवर्ड विथ पेपर। सो क्या एक छोटे से टेबल पे वो बैठता है और क्या वो पेपर से ढका हुआ है। सो एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, और उसके बगल में क्या कुछ मरे हुए, कुछ मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं। सो ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए स्टोरी, और वो क्या कर रहा है, एक स्टोरी जो है कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट, और उसको जो है वो इस समय बहुत ठंड लग रही है और वो इस समय जो है राइट जो स्टोरी है उसको नहीं लिख पा रहा है। सो देयर इज नो फायर इन द रूम एंड ही इज वीक एंड हैंग्री। सो क्या उस जो रूम है, जिस रूम में वो रहता है छोटे वाले, उस रूम में कोई आग की व्यवस्था नहीं है और वो क्या इस समय जो है कमजोर हो गया है और वो भूखा भी है। सो I will wait with you for one more night, said the cello kindly. So क्या बोले, ठीक है आप एक रात के लिए और मैं आपके साथ रुक जाती हूँ, इंतजार कर लेती हूँ, ऐसा करके वो चिड़िया बोलता है, ठीक है सॉरी बोलता है, बोलती नहीं। सो व्हाट शैल आई टेक टू हिम, तो क्या अब वो बोलता है क्या मैं उसके लिए लेके जाऊं। सो टेक हिम वन ऑफ माय आईज, सेड द प्रिंस। सो क्या बोलता है वो प्रिंस, बोलता है कि मेरी एक आंख ले लो, जो उसका ज्वेल्स का आंख बना रहता है ब्लू कलर के ज्वेल्स का, बोलता है ये ले लो। सो दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, सो क्या ये जो है एक ब्यूटीफुल स्टोन से बने हुए, एकदम सुंदर ब्लू स्टोन से बने हुए हैं, नीली स्टोन से। सो द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, ही कैन फिनिश हिज स्टोरी। सो क्या वो जो बोलता है, जो यंग मैन है, आदमी जो राइटर है, वो इससे क्या जो थोड़े से कब जो है लकड़ियाँ खरीद लेगा और खाना खरीद लेगा, और जिसकी वजह से वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर पाएगा, क्योंकि इसको ठंड लग रही थी और भूख भी लगी थी ना इसकी वजह से, तो स्टोरी नहीं लिख पा रहा था, तो अब वो जब इस दोनों मिल जाएगा तो स्टोरी लिख सकता था। सो टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, सेट द सेलो। सो क्या बोलती है, अपनी आँख निकालो, ऐसा करके वो चिड़िया उसको बोलती है प्रिंस को। सो आई कैन नॉट डू एंड ही बिगेन टू क्राई। सो क्या वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्टैचू रहता है ना, तो वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और वो रोना चालू कर देता है। डू इट, सेट द प्रिंस। तो क्या बोलता है वो प्रिंस जो है उसको बोलता है ऐसा करो, इसको निकालो, तुम ही निकालो, मैं क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सो द सेलो टुक आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स रूम। सो क्या सेलो जो रहती है, चिड़िया रहता है वो उसके प्रिंस की आंख को निकालता है और वापस जो है यंग मैन के रूम की तरफ उड़ जाता है। सो इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देयर वॉज ए होल इन द रूफ। सो क्या ये उसके लिए आसान हो गया था, क्योंकि ये जो छत था उसके अंदर एक होल था जिसकी वजह से वो अंदर जा सकती थी, तो उसके लिए ईजी हो गया था। तो द यंग मैन वॉज सिटिंग विथ हिज हेड इन हिज हैंड्स। सो क्या जो आदमी था, जवान आदमी जो बैठा हुआ था वहाँ पे, वो बैठा हुआ था अपने सर के ऊपर अपना हाथ रख के। सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड स्विंग, और क्या वो तो इसके वजह से जो है वो बर्ड्स के पंखों का आवाज़ नहीं सुन पाया। सो व्हेन ही लुक्ड अप, सो क्या जब वो ऊपर देखा, ए ब्यूटीफुल ब्लू ज्वेल्स वॉज लाइंग ऑन द डेड फ्लावर्स। सो क्या जब वो ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक जो मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं, मरे हुए फ्लावर्स हैं, तो उसके ऊपर एक ब्लू कलर का ज्वेल पड़ा हुआ है। सो समवन लाइक माई स्टोरीज, ही क्राइड हैप्पीली। सो उसको क्या बोला कि किसी को मेरी अच्छी ये स्टोरी जो है अच्छी लगी, और वो ऐसा करके चिल्लाता है, हैप्पी, खुश होकर चिल्लाता है। सो दिस इज ए गिफ्ट फॉर समवन हु हैज रीड माय बुक, नाउ आई कैन फिनिश राइटिंग दिस स्टोरी। सो क्या ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया जिसको मेरी स्टोरी जो अच्छी लगी है, और मैं अब क्या करता हूँ, अपनी स्टोरी को जो है पूरा लिख के खत्म कर देता हूँ।
So on the next Monday the sailor flew down to the river. अब क्या दूसरी सुबह को भी जाती है वो नदी के किनारे. और he was the seaman working on the ship. और क्या एक आदमी जो है जो समुद्र के अंदर काम करते हैं उस आदमी को ऐसे देखती है जो कि सिप में काम करता है. So I am going to Egypt. ऐसा करके वो चिल्लाती है कि मैं कहाँ इजिप्ट जा रही हूँ. But no one listened to him. और कोई उसको सुनता नहीं. चिड़िया रहती कौन सुनेगा उसकी. So when the man came up he flew back to the happy prince. क्या जब वहाँ पे वो आदमी वहाँ से वापस आया तो वहाँ से वो वापस चली जाती है कहाँ हैप्पी प्रिंस के पास. So I have come to say goodbye to you he said. क्या बोलता है वो बोलता है कि मैं तुमको अब गुड बाय कहने आया हूँ और मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ. यही कहती है वो चिड़िया कहता है और मैं तुमको गुड बाय करने आया हूँ. सो लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट. सो क्या बोलता है नन्नी चिड़िया क्या तुम एक और दिन के लिए एक और रात के लिए मेरे साथ रुक सकती हो क्या रह सकती हो क्या. सो ऐसा करके वो बोलता है. तो आई थिंक वीडियो जो है लॉन्ग हो रहा है तो इतना ही इस वीडियो में. ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसके बाद वाला जो स्टोरी में पढ़ाऊँ इसके बाद का जो पार्ट दूसरा पार्ट पढ़ाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए सबसे पहले आप देख पाए. तो थैंक यू फ्रेंड्स.